दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपने स्पॉन्सर के बारे में जरूर सुना होगा और आप में से कई सारे यूट्यूबर स्पॉन्सर को लेना चाहते हो, लेकिन आपका एक सवाल जरूर बनता कि भले कंपनी मेरे को कॉन्टैक्ट कैसे करेगी यार, मैं अपने जीमेल को कहाँ डालूं कि कंपनी मेरे को कॉन्टैक्ट करने लगे और मेरे को ढेर सारे स्पॉन्सर मिलने लगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जीमेल कहाँ डालना है और आपको कैसे अपने बारे में मुझे बताना है ताकि वो आपको जो स्पॉन्सर है वो दे सके। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। हाय दोस्त, मैं पंकज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल में। और अगर आप ऐसी मजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा मोबाइल स्क्रीन और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या डालना चाहिए ताकि कंपनी आपको कॉन्टैक्ट कर सके और आपको कहाँ पे डालना चाहिए ताकि कंपनी आपको इजीली कॉन्टैक्ट कर सके स्पॉन्सर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों को करना क्या है, नेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में। यहाँ से मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में। ये रहा हमारा क्रोम, मैं सिंपली से ओपन करता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए तो आपको यहाँ पे एक YouTube का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आपको मोबाइल में ये YouTube वाला आइकन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको करना क्या है, कोना में क्लिक करना, न्यू टैब में क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, YouTube में क्लिक कर देना। ओके, हम जैसे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, फिर आपको कोना में क्लिक कर देना, यहाँ पे स्विच अकाउंट में क्लिक कर देना और यहाँ से अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद दोस्तों फिर से आपको सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ एक और नया इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरह का। आपको करना क्या, सिंपली कोना में ऐसे करके क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको YouTube स्टूडियो जो दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ओके, मैं जूम, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा था तो मैं ऐसे दिखा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो जगह पे मिलेंगे ऑप्शन, मतलब लगाने का और सेट करने का। तो मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि आपको देना देना क्या चीज़ है, मतलब क्या क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ईमेल देना होगा, अपनी ईमेल एड्रेस देना होगा जिसमें आपका मैसेज आता है। आप ध्यान में रखिए, आप अपने YouTube चैनल का ईमेल आईडी मत दीजिएगा, अदरवाइज आपका चैनल हैक हो सकता है। तो आप दूसरा ईमेल आईडी दे दीजिए जिसमें मैसेज उसे इजीली आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमें कॉन्टैक्ट नंबर मतलब देना पसंद नहीं, तो दोस्तों आपको देना होगा ताकि कंपनी आपको इजीली कॉन्टैक्ट कर सके। ओके, तो ये दो चीज़ आपको देना मतलब बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये दोनों नहीं दोगे तो आप कंपनी आपको कैसे ढूंढ पाएगी। तो आपको देना कहाँ है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन का, ये देखिए कुछ ऐसा करके। तो आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे उस पर क्लिक करते हो एक नया इंटरफेस खुलेगा कुछ इस टाइप का। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बेसिक दिखाई दे रहा होगा, आपको बेसिक पे क्लिक कर देना। अब जैसे बेसिक पर क्लिक कर देते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन जो आपको मिल रखा है, आपको कुछ ऐसे यहाँ पे लिखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे लिखिएगा। तो दोस्तों आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना हाय फ्रेंड्स, दिस इज जो भी आपका चैनल का नाम है यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंड योर एंड यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, जो भी मतलब आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। माई ऑल वीडियो विल बी रिलेटेड टू टीच एंड ऐप कैटेगरी, मतलब आपको ये सब देख के लिख लेना। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और देख के लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है करके, और उसके बाद लिखना फॉर स्पॉन्सर एंड बिजनेस रिलेटेड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फॉर स्पॉन्सर एंड बिजनेस रिलेटेड, आपको ऐसा करके एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद कोई मतलब लोगो लगा देना एक अच्छा सा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको लगाना क्या है। ये सिंपली कुछ ऐसे करके लगा देना फॉर स्पॉन्सर एंड बिजनेस रिलेटेड। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे देना जो कि मैंने डाल रखा है। उसके बाद आपको नीचे करके ऐसे करके नीचे आना है, मैं दिखाता हूँ ऐसे करके नीचे आना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट में ऐसे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला दे देना एरो का चिन्ह। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल का नाम है आप सिंपली से टाइप कर दीजिए, और यहाँ पे आपको जो पब्लिश का आइकन दिखाई दे रहा है आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब जैसे पब्लिश पे क्लिक करते हो ये आपका सेव हो जाता है। अब यहाँ और एक ऑप्शन और मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको करना क्या, नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो जो कि मैंने डाल रखा है। ओके, अब डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ से सेव कर देना। अब सेव हो जाएगा तो आपको देखना कि आपको दिखाई कहाँ पे दे रहा है ये वाला। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो भी आपने सेव किया था वो कहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि मेरा कोई मतलब कोई स्पॉन्सर के रिलेटेड मेरा यूट्यूब चैनल पे आया। ओके, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ये रहा,
कोई स्पॉन्सर के मकसद से मेरे यूट्यूब चैनल में आया है मेरी वीडियो को देख के, उसके बाद वो करेगा क्या, सीधा मेरा यूट्यूब चैनल में चला जाएगा कुछ ऐसा करके। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह से सजा रखी है, जो ज़्यादा हाईएस्ट वाले व्यू है उसको ऊपर रखा है। अगर आपको ये नहीं पता कैसे लाते तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं, तो आपको दिखाई कहाँ पर देगा, कंपनी आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगी। सबसे पहले चले जाएगी वो चैनल, उसके बाद अबाउट में चली जाएगी। अबाउट में जो भी हमने डाल रखी थी वो देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाला था अभी वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी लिखा था फॉर स्पॉन्सर एंड बिजनेस रिलेटेड, ये जो ईमेल आईडी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट में ये वाला इतना इतना वो देखा गया कि यहाँ पे कितना सारा व्यू आया। तो ये इसके द्वारा वो हमारे चैनल पर कॉन्टैक्ट करते हैं और हमें स्पॉन्सर के लिए इन्वाइट करते हैं, स्पॉन्सर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।